कुछ बहनें ये शिकायत करती हैं कि उनको अच्छी बहू नहीं मिली है। उनके घर में एक ऐसी बहू आ गई है जिसने उनका जीना धूबर कर दिया है। वो अपने पीहर वालों के सिखाने में है, मतलब उनको अपनी बहू की कोई भी बात पसंद नहीं आती है, और उनकी दृष्टि में एक बुरी बहू उनके घर में आ गई है जिसने उनके घर का सारा सुख चैन छीन लिया है। आज इसी पर बात करने जा रही हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है इसी बात पर केंद्रित है कि अगर कोई बहू बहुत बुरी है तो उसको आप अच्छा कैसे बनाएं, या कोई जो बहू होती है वो वास्तव में कितनी बुरी होती है, या होती भी है कि नहीं होती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, और हो सकता है इन बातों से आपके लिए कोई रास्ता निकल जाए तो ये वीडियो भी सार्थक हो जाएगा। मेरी बहुत सी बहनें इस बात से परेशान रहती हैं कि उनकी जो बहू है वो उनके कहने में नहीं है, वो अपने पीहर वालों के सिखाने में रहती है। वो अपने ससुराल की एक एक बात जाकर अपने पीहर में बताती है, ससुराल वालों की खिल्ली उड़ाती है, पति का अपमान करती है, सास ससुर की केयर नहीं करती है, या ससुराल वालों के समक्ष ऐसा आदर्श प्रस्तुत नहीं करती है जिसकी की अपेक्षा ससुराल वाले अपनी एक बहू से रखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? कोई भी बहू जब किसी नए घर में प्रवेश करती है तो वो परिवार उसके लिए बहुत नया होता है। कई बार माताएं अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देकर भेजती हैं, लेकिन कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो पुत्री मोह में ये भूल जाती हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को एक नए घर में भेजा है, और उस नए घर को भी उसको अगर वो पराया है उसके लिए कुछ समय के लिए, तो उसको कैसे अपना बनाएं, ये कला सिखाकर बेटी को भेजें, ऐसा नहीं कर पाती हैं। और वो यही चाहती हैं कि पुत्री अधिकांश समय विवाह तो कर ले, लेकिन पुत्री अधिकांश समय वापस पीहर में ही बिताए। ऐसी भी मानसिकता कुछ माताओं की होती है जो कि बिल्कुल ही गलत होती है। तो बेटियों को क्या सिखाया जाए? दूसरा, ससुराल में अगर कोई इस तरह की बेटी आ गई है उनकी बहू के रूप में, तो उस बहू को कैसे अच्छा बनाया जाए, आज मैं यही बताने आपको जा रही हूँ। पहली चीज, एक्चुअली क्या होता है कि सास और ससुर, स्पेशली जो सास हैं, वो अपना दर्जा ऊंचा मानती हैं, और वास्तव में उनका दर्जा ऊंचा होता भी है। लेकिन जब जो बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, बड़ों का सम्मान करना भूल जाएं, तो उनको किस तरह से शिक्षा दी जाए? अगर आप अपने बड़प्पन में रहेंगी तो अभी ये बात बन पाएगी, मतलब आपको क्षमाशील होना पड़ेगा। माताओं को, सासों को क्षमाशील होना पड़ेगा, तभी रास्ता निकलेगा। यदि आप अपने अहम में रहेंगी और बदला लेने की भावना रखेंगी तो कभी भी आपका रास्ता सुलझेगा नहीं, आपकी बहू कभी भी लाइन पर नहीं आ सकती है। उसको प्यार देना पड़ेगा आपको, उसकी गलतियों को आपको क्षमा करना पड़ेगा, उसको ऐसे ही गले लगाना पड़ेगा जैसा कि आप अपने बच्चों को लगाती हैं, पुत्र या पुत्री को, उनकी गलती होने पर। तभी आपकी बहू सही रास्ते पर आ पाएगी और आपके परिवार को अपना परिवार समझ पाएगी, और उस परिवार में अपने प्राण फूंक देते हैं ना, जिसको बोलते हैं पूरा जीवन समर्पित करना, अपने जीवन को आपके परिवार को वो समर्पित कर पाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। आप ये सोचें कि बहू आप तो सब कुछ करती रहे और बहू सहती रहे और बहू एक आदर्श बहू के रूप में उपस्थित होती रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है वो दिखाने के लिए आपका सम्मान करे, लेकिन अच्छा तब होगा जब वो दिल से आपका सम्मान करे, और इसके लिए आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा। जैसे आप सोचिए, कल्पना करिए, जब आपकी बेटी कोई गलती करती है तो आप उससे कैसा व्यवहार करती हैं? बस उसी जगह पर आपको अपनी बहू को भी रखना पड़ेगा और उसको उसकी हर गलती को आपको माफ करना पड़ेगा, उसके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने क्या किया, जब उनकी बहू आई परिवार में तो काफी उद्दंड स्वभाव की थी, उसमें एडजस्टमेंट जैसी चीज नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, जो ससुर थे, बहू के जो ससुर थे, उन्होंने घर की चाबियां अपनी बहू को सौंप दी। ये देखकर उनकी पत्नी, मतलब बहू की जो सास है, वो काफी परेशान हुई और उन्होंने इसका प्रतिकार भी किया, लेकिन ससुर ने ये बोला कि कुछ समय मुझे दो और मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। उन्होंने बहू को चाबियां दे दी और उसे घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। वो बहू जो कि काफी उद्दंड थी, जब जैसे ही उसको चाबी मिल गई और उसको एक घर में एहसास हो गया अपनी पावर का, तो उसका स्वभाव काफी बदल गया, वो काफी जिम्मेदार हो गई और सबकी केयर करने लगी। ससुर ने ये ऐसा किया कि वो अपने आप को पराया ना समझे, वो इस घर का हिस्सा ही समझे अपने आप को, और उनकी ये जो तरकीब थी ये काफी काम कर गई। एक्चुअली क्या होता है, जो बड़े लोग इस भ्रम में कई बार रहते हैं, और एक्चुअली उनकी इसमें कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत कटु अनुभव होते हैं। कई बार बेटे बहू प्रॉपर्टी लेने के बाद, घर की चाबियां लेने के बाद भूल जाते हैं,
अपने माता पिता को, सास ससुर को। तो इस बात से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कई सास ससुर बहुत समय तक अपने घर की चाबियां बहुओं को नहीं सौंपते, अपने घर की प्रॉपर्टी बहुओं को नहीं सौंपते इसी भय के कारण। लेकिन फिर भी उनको, यदि वे चाहते हैं कि रिश्ते अच्छे बने, तो बहू के मन में एक इनसिक्योरिटी की भावना को दूर करना होगा। उसको यह एहसास कराना होगा कि जितना वो घर उनका है, उतना ही घर उस बहू का भी है। इसके अलावा जिस तरह से बहू अपने माता पिता के घर में रहा करती थी एक हक के साथ में, वही हक उनको अपनी बहुओं को देना पड़ेगा, तभी उनकी बहुएं लाइन पर आएंगी। मेरी एक परिचित हैं, वो सुबह सुबह जब उनकी बहू सर्विस करती है, स्कूल में टीचर है, जब सुबह 8-7-8 बजे वो जाती है, तो वो महिला सुबह सुबह बहू को कुछ भी नहीं करने देती और उसको एक टिफिन बॉक्स बनाकर देती है एक माँ की तरह। और आप यकीन मानिए, कुछ समय तक वो जो बहू थी बहुत अच्छी बहू नहीं थी, बाद में वो उसको भी एहसास हुआ कि उसकी जो मदर इन लॉ उसकी कितनी केयर कर रही हैं, और फिर वो रास्ते पर आ गई और बिल्कुल एक माँ माँ की तरह उनकी केयर करने लगी। तो यहाँ कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है बहुएं बहुत गलत हों, बिल्कुल सही उनको शिक्षा भी नहीं मिली हो, लेकिन इसके लिए जो पहली शुरुआत है वो ससुराल वालों को ही करनी पड़ेगी, सास ससुर को ही करनी पड़ेगी। और जब आप अच्छा व्यवहार अपनी बहुओं के साथ करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी बहुएं भी आपको प्यार करेंगी और आपकी केयर करेंगी। ये इसका रेशियो बहुत ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि जो एक एक दो जो बिल्कुल ही हम बोलते हैं रास्ते से भटकी हुई महिलाएं हैं, 1-2% ही उनका होगा। मैक्सिमम केसेस में इसकी पूरी संभावना है कि आपकी बहू सही ट्रैक पर आएगी और आपकी केयर करेगी, लेकिन इसके लिए आपको बदला लेने की भावना का त्याग करना पड़ेगा। उसको एक ऐसी नज़र से नहीं देखना चाहिए आपको कि आपको लग रहा है कोई परम शत्रु आपके सामने बैठा है और उस जिसका जिसको आप देखना आपको बिल्कुल सुहा नहीं रहा है। इस तरह की मानसिकता सास को बदलनी होगी। दूसरा, अपनी बहू की कहीं भी आप बुराई मत करिए। अगर बहू की कोई बात आपको बुरी लगती है, तो अकेले में बैठकर घर में ही प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अपने रिश्तेदारों में अपनी बहू का मजाक मत बनाइए, क्योंकि ऐसा मजाक होने से सिर्फ आपकी बहू का मजाक नहीं बनेगा, आपके पूरे परिवार की खिल्ली उड़ेगी। इसलिए यदि कोई समस्या है, तो जहाँ तक हो सके घर की प्रॉब्लम को घर में ही बैठकर निपटारा उसका किया जाए, और बहू की शिकायत बजाय उसके पीहर वालों से करने के, आप अपनी सूझबूझ से रास्ता बनाइए, बहू की कमजोरियों को पकड़िए और एक बहुत ही सूझबूझ के साथ उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आप अपने बच्चों की केयर करते हैं, वही केयर आप अपनी बहुओं की कीजिए, तो उससे आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी आपके घर में बिताना चाहता है, आपको प्यार करना चाहता है, उसको एक मौका दीजिए। और अगर आपका अपनी बहुओं के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसको इसके बारे में एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। एक लड़की जो पूरा घर छोड़कर आपके परिवार में आई है, वो कितनी इनसिक्योर फील करती होगी जब आप उसकी केयर नहीं करते। तो आप अपनी बहुओं की केयर कीजिए और तब आप देखिएगा आपकी बुरी से बुरी बहू भी आपको अपना समझेगी और उसकी उस अपने आपका जो परिवार है उसमें अपने बिल्कुल प्राण फूकेगी, उसको में बिल्कुल अपनत्व का भाव वो पैदा करेगी। लेकिन इसके लिए शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि पहले शुरुआत बहू करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको वाकई में बहू चाहिए, आपका घर का पूरा सुख चाहिए आपको, तो पहले शुरुआत आप करके देखिए। कुछ समय आपको लगेगा, लेकिन उद्दंड से उद्दंड बहू भी लाइन पर आएगी, ये मेरा विश्वास है। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। यदि आपको पसंद आए, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता ही है ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।